नजीबा फैज़ जो कि एक बहुत ही मारूफ और मकबूल पाकिस्तानी अदाकारा, टीवी होस्ट और एक जर्नलिस्ट हैं। वेल गाइस, साल 2023 में वो दो ड्रामों में बहुत ही खूबसूरत अदाकारी करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल मीसनी और मेरी शहजादी शामिल है। जी तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको नजीबा फैज़ के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के साथ उनके बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको नजीबा फैज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेल गाइस, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नजीबा फैज उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां क्वेटा ग्लैडिएटर और पिशावर जलमी के PSL के मैच के दौरान उनके रोने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गयी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफी ज्यादा बहस और सर्चिंग की गई। नजीबा फैज के अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको बताएं तो नजीबा फैज 1 अगस्त 1988 को कुंदोज अफगानिस्तान में पैदा हुई, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में काम किया। वो पश्तो ड्रामो रफ में शानदार अदाकारी करने के बाद लाइमलाइट में आई, जिसके बाद उन्होंने ड्रामा सीरियल सन्नाटा से लॉलीवुड में कदम रखा। नजीबा फैज के अगर फिजिकल स्टैट्स के बारे में बताया जाए तो नजीबा फैज जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश शक्ल की मालिक हैं, उनकी हाइट 5'7" है, जबकि उनका शुमार पाकिस्तान की बोल्ड अदाकाराओं में किया जाता है जो कि ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनने का शौक रखती है, और इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग का निशाना बनती रहती हैं। नजीबा फैज जिनके हेयर का कलर डार्क ब्राउन और उनकी आंखों का कलर ब्लैक है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं नजीबा फैज की एजुकेशन के बारे में। तो उन्होंने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है। नजीबा फैज को बचपन से ही अदाकारी करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसी तरह उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कहानी शोज में काम किया है और इस शो को PTV पर नशर किया गया। वेल गाइस, अगर नजीबा फैज की फैमिली के बारे में आपको बताएं तो नजीबा फैज का ताल्लुक एक अफगान मुस्लिम खानदान से है। जब अफगानिस्तान में जंग शुरू हुई तो वो अपने खानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत कर गईं, जहां वो पिशावर में पली बढ़ी, जिसके बाद नजीबा फैज कराची और इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गयी। नजीबा फैज जो की एक अफगान मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखती है, अगर नजीबा फैज के मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो नजीबा फैज अभी तक अनमैरिड है और उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने कैरियर पर मरकूज रखी हुई है। नाउ गाइस, बात करते हैं नजीबा फैज की नेटवर्थ के बारे में। तो उनकी नेटवर्थ लगभग 10 से 12 मिलियन US डॉलर है। उन्होंने अपनी अदाकारी और होस्टिंग के कैरियर से बहुत ही ज्यादा दौलत कमाई है। वो अपने ड्रामों के किरदारों और शोज की मेजबानी करने के लिए काफी ज्यादा रकम वसूल करती हैं। इसके अलावा नजीबा फैज मलेशिया और लंदन दुबई में बहुत से म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की होस्टिंग भी कर चुकी हैं, जबकि करंटली वो कराची में अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही शाहाना जिंदगी गुजार रही हैं, जबकि स्क्रीन पर आप उनके हाउस की पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। कास्ट कलेक्शन में नजीबा फैज के पास मर्सिडीज में बैग, टोयोटा फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर शामिल हैं। वेल गाइस, अगर नजीबा फैज के बैकग्राउंड और कैरियर पर एक नजर डाली जाए तो जब वो 7 साल की थी तो उन्होंने एक शो में काम किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए वक्फा ले लिया, और इसके बाद 2003 में उन्होंने दोबारा शोबीज इंडस्ट्री में अपनी एंट्री की, जिसमे उन्होंने उर्दू और पश्तो शोज और फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। वो काफी ज्यादा पश्तो शोज की मेजबानी भी कर चुकी हैं। नजीबा फैज ने अपने कैरियर का आगाज पश्तो इंडस्ट्री से ही किया था। 2004 में पश्तो चैनल AVT के आगाज के बाद उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में होस्टिंग और TV सीरियल्स में अदाकारी की। नजीबा फैज ने इसके बाद लॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, जहाँ पर उन्होंने मोहब्बत, ख्वाब सफर और संगसर में काम किया, जिसे हम TV पर नशर किया गया, जबकि सावन में उनके एक स्ट्रिक्ट मार्क
के रोल में उनके किरदार को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। वेल गाइस, अगर नजीबा फैज के अभी तक के ड्रामों की फहरिस्त की बात की जाए तो उनके ड्रामों में सन्नाटा, काला जादू, आपके सावन बरसे, संगे मरमर, संग सर, मोहब्बत ख्वाब सफर, संगे माँ और करंटली उनके दो ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी और मीसनी शामिल है। जी तो गाइज, ये थी नजीबा फैज की मुकम्मल बायोग्राफी। आपको नजीबा फैज कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।